नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक आंसर। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि ब्लैक फंगस क्या होता है, इसे कैसे पहचानें और इसके क्या उपचार है। कोरोना के मरीजों के अंदर ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों यह तेज़ी से फैल रहा है और इससे लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है या कुछ अंग काम करना बंद कर रहे हैं। दोस्तों म्यूकरमाइकोसिस एक गंभीर लेकिन दुर्लभ फंगस इन्फेक्शन है जो कि मोल्ड के एक ग्रुप जिसे माइक्रोमाइसिटिस कहते हैं के कारण होता है। दोस्तों यह एक जानलेवा इन्फेक्शन है, इससे मृत्यु दर 50 से 70% तक हो रही है। दोस्तों यह एक तीव्र गति से फैलने वाला फंगस है। इतना खतरनाक होते हुए भी इसके इतना खतरनाक होते हुए भी किसी व्यस्त सेंटर पर साल में 5 या 6 मामले सामने आते थे, किंतु दोस्तों अब इस फंगस के पर डे 50 से 60 मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अगर म्यूकर दुर्लभ है तो अभी इतना तेजी से क्यों फैल रहा है। पहले ये कम इम्यून वाले मरीजों जैसे कैंसर पीड़ित, डायबिटीज या जिन्हें ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो और वह इम्यूनोसफिशिएंट थेरेपी पर हो उनमें फैलता था, लेकिन अब यह कोविड के कारण इसके मामले बहुत बढ़ रहे हैं। कोविड इस वायरस को फैलने के लिए एक अनुकूल एनवायरनमेंट दे रहा है और दूसरा कोविड के मरीजों का इम्यून रेस्पॉन्स भी कमजोर हो गया है जिसके कारण यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। किंतु दोस्तों कुछ टाइम पहले जिन कोविड मरीजों को डायबिटीज या कैंसर था उनमें ज्यादा फैल रहा था, किंतु अब यह सामान्य कोविड मरीजों में भी फैल रहा है और इसका कारण है अत्यधिक मात्रा में स्टेरॉइड दवाइयों का उपयोग करना। दोस्तों अत्यधिक स्टेरॉइड का उपयोग हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। जिनमें डायबिटीज नहीं होती उनमें भी स्टेरॉइड से इन्फेक्शन फैलने का अनुकूल एनवायरनमेंट बन जाता है। अभी कोविड में सबसे ज्यादा डेक्सामेथासोन और मिथाइल प्रीडनिसोलोन स्टेरॉइड का यूज हो रहा है, लेकिन इसका हद से ज्यादा उपयोग म्यूकरमाइकोसिस का कारण बन रहा है। ये ड्रग मॉडरेट कोविड पेशेंट के लिए गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए हैं। ये कोविड को प्रभावी इलाज है, किंतु दोस्तों जिन पेशेंट को बाहर से ऑक्सीजन दे रहे हैं उनके अंदर ये फंगस तेजी से वृद्धि कर रहा है। दोस्तों अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इसका उपचार निर्भर करता है कि इसका इन्फेक्शन कहाँ और कितना है। अगर फंगल इन्फेक्शन स्टार्टिंग के मॉडरेट स्टेज पर है तो ओपीडी के अंदर बायोप्सी कराकर एंटी फंगल थेरेपी शुरू कर देनी चाहिए, किंतु अगर दोस्तों इन्फेक्शन ज्यादा होकर घाव हो गया है तो इसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है और आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें बहुत तेज सिर दर्द, आंखों में रेडनेस, आंखों में पानी आना, आई मूवमेंट बंद हो जाना, नाक जाम होना, आंखों और गलों पर सूजन आना और कई बार नाक और जबड़ों पर काली पपड़ी जमने लगती है। यह इन्फेक्शन दोस्तों नाक या मुंह से शुरू होकर दिमाग तक पहुंच जाता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों हम जानते हैं कि एक और नई मुसीबत आई है, लेकिन आपको घबराना नहीं है और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।